Subscribe to the Top 5 Bollywood channel and press the bell icon for latest updates. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप 5 बॉलीवुड चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 एक्ट्रेसेस लॉन्च्ड बाय शाहरुख खान। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने अपना डेब्यू शाहरुख खान के साथ 1993 की सुपरहिट फिल्म बाजीगर से किया। ये मूवी एक हॉलीवुड फिल्म ए किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी ने सपोर्टिंग रोल किया था। गायत्री जोशी। गायत्री ने अपना डेब्यू शाहरुख खान के साथ लीड रोल निभाते हुए आशुतोष गावस्कर की फिल्म स्वदेश में साल 2004 में किया। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सराहा और गायत्री के परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया, पर ये एक फिल्म करने के बाद गायत्री ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अब वो अपनी शादी में बहुत खुश है। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण अपने एक्टिंग से अब बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें लॉन्च करने वाले कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान थे। फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से दीपिका पादुकोण ने साल 2007 में डेब्यू किया और अब ये जोड़ी ने दोबारा फिर से एक फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया। प्रीति जिंता। बॉलीवुड की डिंपल्ड गर्ल प्रीति जिंता को अपना बिग ब्रेक मिला मनी रत्नम की फिल्म दिल से ऑपोजिट शाहरुख खान के, जहां वो शाहरुख खान की मंगेतर का रोल करती है। हालांकि उनका रोल सिर्फ 20 मिनट का ही था, पर उनका परफॉर्मेंस सबको पसंद आया और शाहरुख खान के साथ उन्होंने 2003 की ब्लॉकबस्टर मूवी कल हो न हो में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जो अपने बबली एटीट्यूड के लिए जानी जाती है, शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया। आदित्य चोपड़ा की 2008 में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में उन्होंने लीड रोल निभाया। इसके बाद शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा ने कई सारे फिल्मों में काम किया, जैसे कि जब तक है जहां, जब हैरी मेट साजल और जीरो, और सारी फिल्में सुपरहिट हुई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना और हमें नीचे कमेंट करके बताना कि इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से आपकी सबसे मनपसंद एक्ट्रेस कौन सी है।